हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अफगानी ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग, दोनों ही हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे अफगानी सलवार भी बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ही इजी मेथड है अफगानी सलवार कटिंग करने का, यानी अफगानी ट्राउज़र भी आप इसको कह सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं इसी तरह की कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप उसको देख सको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है और हमने इसको 4 फोल्ड किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फोल्ड हुआ है इस तरह से, और उसके बाद हमने इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखना, कहीं पर भी छोड़ना मत, बिल्कुल ही आसान सा मेथड है। अगर आप वीडियो को पूरी देखोगे तो आप एक बार में ही अफगानी ट्राउजर बनाना सीख जाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इसको 4 फोल्ड करना है, उसके बाद हमने जितनी भी हमारी सलवार की लेंथ है उतना हमने नाप लेना है, चाहे हमारी सलवार की लेंथ जितनी भी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये अफगानी ट्राउजर बना रही हूँ। तो देखिए, हमारी सलवार है 37 इंच की, 37 इंच की हमारी सलवार है। तो 3 इंच हमने फोल्ड करना है ऊपर से, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो 37 में हमने 3 इंच ऐड करना है, तो हो गया हमारा 40 इंच। तो 40 इंच पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, 40 इंच पे हमने निशान लगाया। उसके बाद देखो, ये तो हो गई हमारी प्रॉपर लेंथ है, जितनी भी हमारी लेंथ थी। उसके बाद हमने क्या करना है, जितनी भी हमने नीचे से मोरी बनानी है, चाहे 1.5 इंच की बनाते हो, चाहे 2 की बनाते हो, जितनी भी हम नीचे मोरी बनाते हैं उतना हमने इसमें से माइनस करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 2 इंच की मोरी रखना चाहते हो तो आप 2 इंच इसमें से माइनस कर सकते हो। अगर आप 3 इंच की रखना चाहते हो तो आप इसमें से 3 इंच माइनस कर सकते हो। और एक बात और आपको बताऊं, अगर आप अफगानी सलवार या ट्राउज़र बना रहे हो इसी तरह से, तो आप जितना कम मोरी रखोगे नीचे से, जितनी ऊंचाई मोरी की कम रखोगे, उतनी हमारी सलवार की शेप अच्छी आएगी। अगर आप ज़्यादा ऊंची मोरी रखते हो तो उसमें इतनी अच्छी सेव नहीं आ पाती, तो इसलिए आप 1.5 या 2 इंच तक ही मोरी रख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी मोरी 2 इंच की तैयार रखनी है, तो मैं इसमें से 2 इंच माइनस कर दूंगी। तो 40 में से 2 इंच मैंने माइनस किया, तो हो गया हमारा 38 इंच। 38 इंच की हमने सलवार कट करनी है यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और कटिंग भी हम यहाँ से ही करेंगे। आप यहाँ से भी कटिंग कर सकते हो, जैसे कि हमारा प्लाजो होता है उस तरह से भी आप सलवार बना सकते हो अगर आप चाहो। अगर नहीं चाहो तो आप इसको यहाँ से इस तरह से बंद भी रख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार हमने मोरी चेक करनी है। जितनी भी हमारी मोरी तैयार है, चाहे 6 इंच की हो, चाहे 5.5 या 6.5 इंच की, यानी जितनी भी हमारी तैयार मोरी है उसका हमने डबल लेना है। यानी आप 13 या 14 इंच तक आप यहाँ से फैब्रिक एक्स्ट्रा ले सकते हो, जिसमें हमने चुन्नटें डालनी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये ले रही हूँ 13.5, यानी 13.5 इंच का फैब्रिक, और इसमें ही हमने अपनी चुन्नटें डालनी है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा लेंथ का निशान और ये यहाँ से हमने मोरी का निशान लगाया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने ऊपर से लेना है, यानी जितनी भी हमारी हिप होती है उससे हमने 4-5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, जैसे कि हम प्लाजो में लेते हैं उतना ही हमने यहाँ पे भी लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी हमारी हिप थी 40 इंच की, 40 का हमने 4th हिस्सा किया, तो हो गया हमारा 10 इंच। तो
उसके बाद हमने इसमें 5 इंच प्लस करने हैं। आप 4 या 5 इंच अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर किसी को ज़्यादा खुली पसंद हो तो आप यहाँ से 5 इंच भी ले सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमने लगाना है आसन का निशान। आसन जितना भी हमारा यहाँ से आया है, हमारी हिप का फोर्थ हिस्सा करने के बाद हमने इसमें 5 इंच ऐड किए हैं। जितना भी हमारा ये निशान आया है, उतना ही हमारा यहाँ पे आसन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 इंच का हमने आसन रखना है यहाँ से, क्योंकि ये हमारा 15 इंच ही आया था, तो हमने आसन भी यहाँ से 15 इंच ही रखना है। अगर आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रहे तो आप 15 इंच का आसन सभी साइजों में ले सकते हो। सभी साइजों में 15 इंच का आसन हमारा चल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 इंच हमारा यहाँ से था, तो 15 इंच ही हमने यहाँ से लेना है। और इस निशान को हमने इस तरह से सीधा कर देना है यहाँ से। उसके बाद हमने यहाँ से इसको ऐसे कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमारा नॉर्मल साइज है तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाना है, और 2.5 इंच का ही हमने यहाँ पे लगाना है। अगर हमारा थोड़ा हैवी साइज है तो आप यहाँ से 3 इंच का निशान भी ले सकते हो। उसके बाद हमने इसको ऐसे राउंड शेप देनी है, इस तरह से जैसे हम अपनी पैंट या प्लाजो में देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे अफगानी ट्राउजर की मार्किंग हो गई है। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है, और यहाँ से इस निशान को हमने यहाँ से ऐसे मिला देना है। और एक बात और आपको बताऊं फ्रेंड्स, अगर हमारी अफगानी सलवार यहाँ से उठती है तो उसका क्या कारण है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको एक बार ये लेंथ चेक करनी है कि ये हमारी कितनी है। ये हमारी 38 है। उसके बाद हमने यहाँ से ये लेंथ भी चेक करनी है। तो देखिए, यहाँ से हमने इसको इंची टेप को ऐसे घुमाना है, और उसके बाद यहाँ से हमने इसको ऐसे घुमाना है। तो ये है हमारी 40 इंच की। यानी मेरा मतलब ये है समझाने का कि ये जो हमारी लेंथ है उससे ज़्यादा हमारी ये लेंथ होनी चाहिए। यानी जब भी हम इंची टेप से नापे तो उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा हमारा ये होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सलवार की कटिंग हमने कर ली है। जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहीं से हमने इसकी कटिंग की है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सलवार कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं कि कैसे हम इसको स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरह से ओपन करना है। ये हमारा एक हिस्सा है, और उसके बाद हमने दूसरे हिस्से को भी इसके ऊपर इस तरह से रखना है। ये हमने इसके ऊपर रखा, दोनों हिस्सों को हमने इस तरह से रखना है। सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ है और ये हमारी उल्टी साइड है। सबसे पहले हमने आसन को स्टिच करना है यहाँ से, और उसी तरह से हमने दोनों आसनों को स्टिच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा ये फैब्रिक है जो इसमें हम लास्टिक अटैच करेंगे, उसके लिए हमने 1/2 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ मोड़ना है। जब भी हम अपनी लास्टिक डालेंगे इसमें तो हमारी अच्छी फिनिशिंग आएगी, इसलिए हमने 1/2 इंच फैब्रिक पूरे राउंड पे, 1/2 इंच फैब्रिक दबाते हुए हमने पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसमें हम लास्टिक अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें लास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक हम कितनी लेते हैं, जितनी भी हमारी हिप होती है उसका दूसरा हिस्सा करने के बाद जो भी हमारा नाप आता है उसमें से हम 5 इंच माइनस करते हैं।
5 इंच माइनस करने के बाद जितना भी हमारा आता है उतनी हमारी इलास्टिक हमने लेनी है, यानी डबल हमारी इलास्टिक होनी चाहिए। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि इनकी हिप थी हमारी 20 इंच की, 20 यानी 40 इंच की, 40 का हमने दूसरा हिस्सा किया तो हो गया 20 इंच, 20 इंच में से हमने 5 इंच माइनस किए हैं और 15 इंच हमारा बच गया था, तो हमने 30 इंच की हमारी इलास्टिक ली थी और उसका डबल किया तो 15 इंच हो गया। उसके बाद हमने इलास्टिक को हाफ इंच यानी हाफ से थोड़ा सा कम छोड़ के फैब्रिक हमने इसको नीचे की तरफ रखना है, ताकि जब भी हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी इलास्टिक पे से सिलाई नहीं आनी चाहिए, हमारी फैब्रिक पे ही सिलाई रहनी चाहिए। इसी तरह से पूरे फैब्रिक पे हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे इलास्टिक को खींचते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, से ये इलास्टिक हमने डाल ली है और मैंने 2 सिलाई इलास्टिक पर लगाई है, और कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी इलास्टिक डल के तैयार हुई है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, उसके बाद हमने चुन्नटें डालनी हैं अपनी मोरी में, 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने चुन्नटें डालनी है, दोनों मोरियों में हमने 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, दोनों मोरियों में हमने इसी तरह से मार्जिन छोड़ते हुए चुन्नटें डालनी हैं, छोटी छोटी चुन्नटें हम दोनों तरफ डाल लेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चुन्नटें डल गई हैं, दोनों मोरियों में हमने इसी तरह से चुन्नटें डाली हैं 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। उसके बाद हमने इसमें बुकरम अटैच करनी है, जैसे कि मैंने बताया था, आप जितनी आपने मोरी में से मार्जिन वो फैब्रिक कम किया था, माइनस किया था जितना आपने, उतनी ही हमने इसमें मोरी अटैच करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें कोई डिज़ाइन भी दे सकते हो अगर आपको पसंद हो, वरना आप इसमें ऐसे सीधा बुकरम भी लगा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार हमने चेक कर लेना है कि हमारी दोनों मोरियाँ यानी चुन्नटें डलने के बाद जितनी भी हमारी मोरी होती है उससे 2 इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा ही रखना होगा, यानी कि हमारी मोरी थी 6 इंच की, तो उसका खोलने के बाद वो गई 12 इंच, तो ये जो हमारा फैब्रिक है चुन्नटें डलने के बाद ये कम से कम 15 इंच का होना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें हल्का सा डिज़ाइन दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन इसमें दे सकते हो। ये मैंने फ्यूज पेपर पे डिज़ाइन दिया हुआ है, नीचे फ्यूज पेपर है, ऊपर फैब्रिक है, आप चाहो तो इसमें बुकरम या फोम भी लगा सकते हो। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने सलवार को उल्टा रखना है, यानी अपने अफगानी ट्राउज़र को हमने उल्टा रखना है, और इसको हमने पट्टी को सीधा रखना है, दोनों ही मोरियों पर हमने ऐसे ही पट्टी जोड़नी है, सलवार हमारी उल्टी होगी और हमारी मोरी सीधी होगी। उसके बाद हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है, दोनों मोरियों पे हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई लग गई है, और आप देख सकते हो कि दोनों मोरियों पे हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम इसको सीधी साइड पलट देंगे, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस पे आप चाहो तो, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस पे आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो इस पे प्रेस लगाकर इसको सीधा कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सीधा करने के बाद नीचे से हमारी जो मोरी है उसको हमने 1/2 इंच फोल्ड करना है अंदर की तरफ, और उसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से अपनी मोरी को फोल्ड कर देना है। जब भी हम मोरी को फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारी नीचे वाली जो सिलाई है वो दिखनी नहीं चाहिए, और बिल्कुल इसके कॉर्नर पर हमने सिलाई लगानी है, एक सिलाई ऊपर लगाएंगे और एक सिलाई हम नीचे लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाइयाँ लग गई हैं।
उसके बाद हमने इसमें आखिरी स्टिच लगानी है। आप जितनी चाहो उतनी मोरी तैयार रख सकते हो, और उसके बाद इसमें हम आखिरी स्टिच लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आखिरी स्टिच लगने के बाद हमारी सलवार का लुक कितना सुंदर आया है, और मोरी भी इसकी कितनी सुंदर बनके तैयार हुई है। फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी डिजाइन दे सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं इसी तरह की कोई वीडियो बनाऊं तो आप उसको देख सको। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।